दोस्तों यहाँ गदर 2 में सनी देओल तो यहाँ जमकर गदर मचाने वाले, लेकिन यहाँ सनी देओल के बेटे की होने वाली है बुरी हालत। यस तो यहाँ गदर 2 में इस बार सनी देओल का बेटा जीते, जो कि हमें काफी ज्यादा बड़ा दिखेगा, और यहाँ जीते जो कि पाकिस्तानियों के हाथ काफी बुरी तरीके से फंसने वाला है। और यहाँ इस बीच सोशल मीडिया पर फिल्म गदर 2 की शूटिंग की कुछ पिक्चरें यहाँ वायरल होती दिख रही है, जहाँ पर कि हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर गदर 2 में दिखने वाले सनी देओल के बेटे यानी कि यहाँ उत्कर्ष शर्मा जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में हमें दिख रहे हैं। यस तो इसे क्या फिल्म गदर 2 की शूटिंग जो कि यहाँ लोकल प्लेस में की जा रही है, और यहाँ इस बीच पब्लिक जो कि फिल्म की शूटिंग को देखने के लिए भारी मात्रा में इकट्ठा भी हो रही है, और जैसे कि इसी कारण से यहाँ पर फिल्म के क्लिप्स और पिक्चरें जो कि वायरल हो रही है, और यहाँ पर देखा जाए तो ये लग रही है काफी ज्यादा खतरनाक भी। जैसे तो यहाँ गदर 2 जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर डेंजरस बनाई जा रही है, और जैसे कि फिल्म को देख सभी के रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। और यहाँ इस बीच फिल्म की कुछ पिक्चरें जो कि वायरल हो रही है, जहाँ पर कि हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर फिल्म में उत्कर्ष शर्मा जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हमें दिखेंगे, जो कि यहाँ सभी को काफी ज्यादा शॉक करेगा, क्योंकि यहाँ सनी देओल तो काफी ज्यादा खतरनाक है जो कि अच्छे अच्छों की वाट लगा देते हैं, लेकिन यहाँ फिल्म में उनके बेटे जो कि शायद उतने ज्यादा ताकतवर न दिखे, और जैसे कि इस कारण से वो काफी ज्यादा मुश्किलों में पड़ते हुए भी दिखेंगे। और समय जाए एक तरफ सनी देओल जो कि पाकिस्तान जाकर एक बार फिर से अपने बेटे को तो छुड़ा कर लाएंगे ही, लेकिन यहाँ पर फिल्म में उत्कर्ष शर्मा को देखा जाए तो यहाँ पर उत्कर्ष हमें बुरी तरीके से जंजीरों में बंधे हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर उत्कर्ष का लुक जो कि काफी ज्यादा चोटिल दिख रहा है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पाकिस्तानियों ने तारा सिंह के बेटे को यानी कि जीते को काफी बुरी तरीके से पकड़ रखा, साथ ही काफी मारा कूटा भी। ऐसे में दोस्तों यहाँ गदर 2 की कहानी जो कि एक बार फिर से दिल दहला देने वाली होगी, और यहाँ इसे देख यहाँ पर सभी जो कि पूरी तरीके से हैरान रहेंगे। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।